यात्रियों को टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग पर सितंबर तक सर्विस चार्ज में रियायत मिलती रहेगी। सरकार ने नोटबंदी के दौरान डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए IRCTC के जरिए टिकट बुकिंग पर सर्विस चार्ज खत्म कर दिया था। पहले ट्रेन की टिकट बुकिंग पर 40 रुपए तक सर्विस चार्ज लगता था। सरकार ने शुरू में इस छूट का ऐलान 23 नवंबर से 31 मार्च तक के लिए किया था। बाद में यह छूट 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई थी। अब एक बार फिर सरकार ने 30 सितंबर तक इस छूट को जारी रखने का ऐलान किया है। रियायत जारी रखने के पीछे सरकार का मकसद डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है। एक अनुमान के मुताबिक इस छूट को जारी रखने से IRCTC को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सर्विस चार्ज खत्म होने से IRCTC को प्रतिदिन करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए का घाटा हो रहा है।